नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिया एक मंत्र, क्या है वो मंत्र बताएंगे आगे। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्षद के पति ने छिपाई मरकज की जाने की बात, पूरा परिवार हुआ संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही FIR भी हो गई है दर्ज। बताएंगे पूरी खबर क्या थी। अगली बड़ी खबर में बताएंगे, जहां पर पश्चिम बंगाल में डॉक्टर एसोसिएशन और BJP ने कोरोना पीड़ितों के आंकड़ों पर उठाए ममता सरकार पर सवाल। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किस बात को लेकर इतनी बवाल मची है। चलेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको रेलवे से जुड़ी खबर बताएंगे कि लॉकडाउन में बेचैन हुए यात्री, तो रेलवे ने किया ये 2,00,000 सवालों के जवाब। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर क्या है। उसके बाद आपको बताएंगे, जहाँ पर यूपी में 30,00,000 अनियमित पंजीकृत मजदूरों को भी मिलेगा इतने रुपए। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको। साथ ही मायावती का बयान आया है योगी सरकार को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा मायावती ने। तो दोस्तों बने रहिएगा, इसी तरह की सारी बड़ी और नई योजनाएं हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूज के साथ में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया मंत्र, कहा स्वस्थ भारत के लिए जान भी जरूरी है जहान भी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन का ऐलान करते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की थी और कहा था जान है तो जहान है। आज मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में PM ने कहा अब स्वस्थ और भारत के लिए जान भी जरूरी है और जहान भी। देश का प्रत्येक व्यक्ति दोनों की चिंता करते हुए अपना दायित्व निभाएगा। प्रधानमंत्री का ये बयान कोरोना से निपटने में भारत की रणनीति की जीत का संकेत देता है। PM मोदी ने कहा जब मैंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था तो प्रारंभ में बल दिया था कि हर नागरिक की जान बचाने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत आवश्यक है। देश के अधिकतर लोगों ने इस बात को समझा और घरों में रहकर अपना दायित्व भी निभाया। हम सभी ने भी इसी मंत्र पर चलते हुए देशवासियों की जिंदगी बचाने का प्रयास किया है। अब भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, समृद्ध और स्वस्थ भारत के लिए जान भी जहान भी दोनों पहलुओं पर ध्यान आवश्यक है। जी हां दोस्तों, तो क्या आप भी प्रधानमंत्री मोदी के इस बात का पूरे दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि सच में स्वस्थ भारत के लिए जान और जहान दोनों ही बहुत आवश्यक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। जी हां दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्षद के पति ने छिपाई मरकज जाने की बात, पूरा परिवार हुआ संक्रमित और फाइल हुई FIR। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, दरअसल निजामुद्दीन मरकज के कारण दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों में दक्षिण दिल्ली नगर निगम की एक कांग्रेस पार्षद के साथ उनके परिवार के दो और सदस्यों का नाम जुड़ गया है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के वार्ड 34 की पार्षद संतोष शौकीन, उनके पति सुखवीर शौकीन और उनकी बेटी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। उनके घर के आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। अहम बात यह है कि सुखबीर शौकीन पर पुलिस ने महामारी कानून के तहत मामला भी दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक पिछले महीने सुखबीर शौकीन तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज गए थे, लेकिन उन्होंने पुलिस से यह बात छिपाई थी। माना जा रहा है कि जमात में ही वो कोरोना से संक्रमित हुए हैं और उनसे उनकी पत्नी और बेटी का संक्रमण फैला है। जी हां दोस्तों, तो हम ये मानते हैं कि धर्म किसी का भी हो, अगर वो अपने किसी भी देश के लिए कोई चीजों को छुपाता है जिससे देश को हानि होती है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर आप भी इस बात का पूरी तरह से समर्थन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल में डॉक्टर एसोसिएशन और BJP ने कोरोना पीड़ितों के आंकड़ों पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अब तक कोरोना वायरस के सिर्फ 116 मामले सामने आए हैं। इस आंकड़े को लेकर पश्चिम बंगाल डॉक्टर एसोसिएशन और BJP ने सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कोरोना पीड़ितों की सही और प्रमाणिक संख्या सार्वजनिक करें ताकि विश्व के सामने राज्य की सही तस्वीर जाए। इसके अलावा डॉक्टर ने मुख्यमंत्री से अच्छी किस्म के PPE किट मुहैया कराने और कोरोना रोकथाम में लगे लोगों को विशेष पैकेज दिए जाने की मांग की है। डॉक्टर एसोसिएशन की इस
मांग का बीजेपी ने भी समर्थन किया है। बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और कोरोना पीड़ित लोगों की सही तस्वीर जनता के सामने लाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल का अनुरोध किया। जी हां दोस्तों, तो क्या आप भी मानते हैं कि ममता सरकार, तो दोस्तों क्या आप भी बीजेपी के इस बात से और डॉक्टर की इस बात से सहमत है कि ममता सरकार को सही और प्रमाणिक संख्या सार्वजनिक करनी चाहिए जिससे एक्चुअल डेटा का पता चले। अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लॉकडाउन में बेचैन हुए यात्री, रेलवे ने दिए 2,00,000 सवालों के जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन की वजह से भारतीय रेलवे की पैसेंजर ट्रेनें बंद है। इस माहौल में रेलवे को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। यही वजह है कि लॉकडाउन के शुरुआती 15 दिनों में रेलवे से 2,00,000 से अधिक सवाल पूछे गए हैं। ये सामान्य दिनों से कई गुना ज्यादा है। ये जानकारी खुद रेल मंत्रालय की ओर से दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक रेलवे कर्मियों ने लॉकडाउन के पहले 2 हफ्तों में कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स पर 2,05,000 से अधिक सवालों के जवाब दिए गए हैं। इनमें से 90% सवालों का जवाब फोन पर सीधे बातचीत के माध्यम से दिया गया। रेलवे कंट्रोल ऑफिस 4 कम्युनिकेशन और फीडबैक प्लेटफॉर्म हेल्पलाइन नंबर 139138, सोशल मीडिया और ईमेल पर आप लोग भी कॉल करके बात कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी है तो 139138 पे कॉल करके रेलवे से जानकारी ले सकते हैं। चाहे आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए ट्रेन से जुड़ी तो अवश्य लीजिएगा जाकर के। और आप चाहते हैं कि हम लोग भी आपको ट्रेन से रिलेटेड खबरें बताएं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, हमारी टीम पूरी वर्क कर रही है चारों तरफ से, भारत से हर जगह हमारे मीडिया कर्मी फैले हुए हैं। तो आप लोग बता सकते हैं, आप लोगों को किसी तरह का न्यूज चाहिए ट्रेन से रिलेटेड तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूपी में 30,00,000 अनियमित पंजीकृत मजदूरों को भी 1,000 रुपए देने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार के पास भवन निर्माण में लगे 30,00,000 अन्य पंजीकृत मजदूरों को भी 1,000 रुपए राहत देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। ये प्रस्ताव श्रम विभाग ने प्रदेश सरकार को भेजा है। ये ऐसे श्रमिक है जो पंजीकरण का नवीनीकरण नियमित रूप से नहीं करा पा रहे हैं। इस प्रस्ताव पर अमल करने के लिए सरकार को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा और उसके बाद इस संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लॉकडाउन बढ़ाने पर मायावती बोली, सरकार के साथ हूं, जाति धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर गरीबों की हो मदद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार के हर फैसले का पार्टी स्वागत करेगी। सरकार के लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले पर बीएसपी साथ है। इसके साथ ही मायावती ने केंद्र व राज्य सरकारों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय संकट की घड़ी में जाति धर्म व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गरीबों की मदद करें। तो दोस्तों इस तरह की विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार व मोदी सरकार को राय देने को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? क्योंकि एक तरफ से उन्होंने राय ना दे करके बल्कि केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का सख्ती से पालन ना होने पर गृह मंत्रालय नाराज, दी कार्यवाही की चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का सख्ती से पालन ना होने पर गृह मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। नेताओं के हाथों राशन बंटवाने और पुलिस की इजाजत से धार्मिक कार्य पर सवाल उठाए हैं। चिट्ठी में कहा है कि आपदा प्रबंधन के उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही हो सकती है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य में गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुलने दी गई और पुलिस ने धार्मिक कार्यक्रमों को भी इजाजत दी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजे पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सब्जी मछली और मांस बाजारों में कोई नियंत्रण नहीं है। इस पत्र में कहा गया है कि सुरक्षा एजेंसियों को मिली रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन में क्रमिक छूट दर्ज की गई है। राज्य सरकार द्वारा जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को छूट दी गई है उनकी संख्या बढ़ी है। गैर जरूरी चीजों की दुकानें खुलने दी जा रही है। जी हां दोस्तों, तो ये पूरी तरह से केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के सरकार को पूरी तरह से घेर लिया है और वो लॉकडाउन का पालन को लेकर के पूरी तरह से नोटिस जारी कर दिया। तो दोस्तों इस बात को लेकर आप केंद्र सरकार का अगर दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में दिल से प्रयास में लगी हुई है तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद बंगाल में बड़ा लॉकडाउन, 10 जून तक शैक्षणिक संस्थान होंगे बंद। जी हां दोस्तों,
अब चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली से खबर आ रही है कि कश्मीरी गेट के पास शेल्टर होम में भीषण आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां समय पर मौजूद हुई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके से शनिवार को भीषण आग लगने की खबर आई। यहां यमुना बाजार के पास एक शेल्टर होम में भयंकर आग लग गई। आग लगने की सूचना पाकर मौके फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंची। बताया जा रहा है कि जब आग लगी उस दौरान कई लोग अंदर मौजूद थे। जी हां दोस्तों, हालांकि दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। घटना में किसी के हताहत की खबर नहीं है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की मैराथन मीटिंग। मोदी ने दिए लॉकडाउन बढ़ाने के संदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों में हर रोज इजाफा देखने को मिल रहा है। देश में अब तक 7,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से जारी लड़ाई की आगे की रणनीति बनाने के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच हुई ये बैठक कई घंटों तक चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में फिलहाल लॉकडाउन को 2 हफ्तों तक बढ़ाने के संकेत पीएम मोदी ने दिए हैं। माना जा रहा है पीएम 1 से 2 दिन में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर थी मोदी जी की तरफ से। और दोस्तों, आप लोगों में से कितने लोग ये चाहते हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ा देना चाहिए, वो इस खबर के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों की हाजिरी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है इस संकट के समय में, तो अपनी हाजिरी जरूर दीजिएगा दोस्तों, जिससे पता चलता है कि आप लोग भी इस संकट के घड़ी में मोदी जी के और हमारे हम लोगों के साथ हैं। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।